तो दोस्तों फाइनली ओनर 9X प्रो की लॉन्चिंग इवेंट रखी जाएगी 23 जुलाई को और इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है क्रीन 810 का प्रोसेसर, साथ ही में ट्रिपल रियर कैमरा जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का होने वाला है और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 20 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला है ओनर 9X और ओनर 9X प्रो दोनों स्मार्टफोन की फुल स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ओनर 9X और ओनर 9X प्रो दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन बताने वाले हैं, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में आपको काफी सिमिलर फीचर्स देखने को मिलने वाला है, काफी माइनर ही दोनों स्मार्टफोन में चेंजेस आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं दोनों स्मार्टफोन को कवर करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले और डिजाइन से। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 6.59 इंच की एक फुल HD प्लस की स्क्रीन, जिसका रेजुलेशन होने वाला है 1080x2340 पिक्सल्स का। और साथ ही दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो। और साथ ही में दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एक पॉपअप सेल्फी कैमरा जो कि 20 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आने वाला है। अगर बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में ऑनर 20 की तरह ही पावर बटन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैक साइड की, तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन का बैक साइड काफी बेहतरीन होने वाला है और दोनों में आपको देखने को मिलने वाला ग्लास बैक का सपोर्ट जो कि आने वाला है ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ और बहुत ही बेहतरीन डिजाइन देखने को मिलने वाला है इस बार ओनर की तरफ से। अगर बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैक साइड के कैमरे की, तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा। अगर बात करें ओनर 9X प्रो की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो कि होने वाला है सोनी के IMX586 का सेंसर और उसके साथ ही दोस्तों 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें दोस्तों ओनर 9X की, तो दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है 24 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और साथ ही में दोस्तों 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर कैमरा। बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों यहां पर ऐसे लीक्स निकल के आई है कि यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है किरिन 810 का प्रोसेसर। और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इन दोनों स्मार्टफोन की जो प्रोसेसर होने वाली है वो स्नैपड्रैगन के 730 से भी बेहतरीन होने वाली है। आप देख सकते हैं गीकबेंच लिस्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर काफी बेहतरीन है और बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर रही है 730 से भी ज्यादा, यानी दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन का जो परफॉर्मेंस होने वाला है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 4000mAh की बैटरी जो कि ओनर 9X प्रो में आपको 22.5 वाट की फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगी और ओनर 9X में आपको 10 वाट का फास्ट चार्ज का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में, तो दोस्तों ओनर 9X की जो प्राइसिंग होने वाली है वो 14,000 से 15,000 rupees के बीच में होने वाली है और ओनर 9X प्रो की जो स्टार्टिंग प्राइसिंग होने वाली है वो 18,000 से 19,000 rupees के बीच में होने वाली है। तो दोस्तों आप दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फाइनली दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन को 23 जुलाई को चाइना के अंदर लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद इंडिया में इन दोनों स्मार्टफोन को अगस्त तक लॉन्च किया जाएगा क्योंकि ओनर बहुत ही जल्द ग्लोबली अपने स्मार्टफोन को लॉन्च कर देता है। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको देखने को बहुत ही जल्द मिलने वाला है इंडिया में, तो क्या आप इन दोनों स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।